नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। वो खिलाड़ी जो पहले आरसीबी में खेला, वो खिलाड़ी जिसे राजस्थान ने भी लिया, लेकिन वो खिलाड़ी जो जब सीएसके में आया तो उसकी किस्मत पलट गई। किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि पूरे के पूरे आंकड़े बदल गए। जी हाँ, बात कर रहे हैं शिवम दुबे की। शिवम दुबे पहले आरसीबी में खेले, राजस्थान की टीम ने भी उन्हें खिलाया, लेकिन जब आरसीबी के बाद, राजस्थान के बाद जब शिवम दुबे सीएसके में आए तो कैसे कायापलट हो गई। आइए हमारे साथ इस रिपोर्ट में देखिए कैसे शिवम दुबे एक फ्लॉप खिलाड़ी के साथ, एक फ्लॉप खिलाड़ी के बाद चौके छक्के मारने वाले खिलाड़ी बन गए, मैच विनर खिलाड़ी बन गए। देखिए, अपनी ताकत के बारे में बताते हुए शिवम दुबे ने कहा, टीम मैनेजमेंट ने मुझे सुरक्षा दी और साथ ही मैंने अपने खेल पर भरोसा दिखाया। मुझे जिस गेंद पर लगा कि मैं हिट कर सकता हूं, मैंने किया और अच्छे शॉट खेलने में सफल रहा, इसलिए मेरा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। मैं अपना खेल खेलने का प्रयास कर रहा था। इस बात से साफ है कि शिवम दुबे के बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से उन्हें हर मैच में मौका देने का भरोसा है, जो शायद उन्हें आरसीबी और राजस्थान रॉयल में नहीं मिला था। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कैसे शिवम दुबे के आंकड़े बदल गए। तो शिवम दुबे इस सीजन में 5 मैच में 51 से ज्यादा की औसत से 207 रन अभी तक ठोक चुके हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। दुबे का स्ट्राइक रेट 176 से ज्यादा है, जबकि पिछले सीजन में राजस्थान के लिए खेलते हुए दुबे ने 9 मैचों में 28.75 की औसत से 230 रन ही बनाई थी। उससे पिछले 2020 में आरसीबी के लिए खेले 11 मैचों में 18.42 की औसत से महज 129 रन बनाए। 2019 में इस खिलाड़ी को महज 4 मैचों में मौका मिला और उनके बल्ले से सिर्फ 40 रन निकले, लेकिन साल 2022 में जैसे ही शिवम दुबे चेन्नई में आए, उनका स्ट्राइक रेट, उनका औसत, सब कुछ बदल गया। यहां तक कि शिवम दुबे का खेलने का तरीका भी बदल गया। जो शिवम दुबे लगातार सवालों के घेरे में रहते थे, अब वो शिवम दुबे लगातार मैच विनर साबित हो रहे हैं, चौके छक्कों की बरसात कर रहे हैं। तो आपका शिवम दुबे के इस बदलाव को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इस खिलाड़ी में युवराज सिंह जैसा बनने की काबिलियत है? आपका जो भी मानना है कमेंट करके जरूर बताएं।